हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपका एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड वीडियो जो है स्टार्ट करने जा रहे थे और इसका जो है आपका फर्स्ट वीडियो जो है हो चुका है क्लियर। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और बेटा आप कॉपी पेन तो लेके बैठ गए होंगे तो ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच पोल्स आर कंसिस्टेंट एंड ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपने देखना है पोल्स, तो पता ही चल गया, हमने चैप्टर का नाम भी चेंज कर दिया है, पोल इन टीवी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्या है आपका, विच पोल्स आर कंसिस्टेंट, यानी कि कौन से पोल्स जो है कंसिस्टेंट है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी जो है आपकी कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में क्या है, सबसे पहले कंसिस्टेंट पता लगाओ, कह रहे हैं अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व कीजिए ग्राफ से, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें a1 upon a2 क्या हो जाएगा, 1 upon 2, b1 upon b2 once again 1 upon 2, c1 upon c2 5 upon 10, तो 5 upon 10 आ गया, यहां पर भी आपका 1 upon 2, तो तीनों ही केसेस में 1 upon 2 है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। हम बार बार कर चुके हैं इसको, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करा तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, और अगर हम क्या करते हैं, अब वाई की जगह 0 पुट करते हैं तो बेटा एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये आपका इसका टेबल। दूसरा टेबल क्या है आपका, अब इसपे जो है हमने देखा एक्स के बदले क्या पुट करा, 1, तो जब ये 2 1 2 हो गया, 2 उधर चला गया, 10 में से 2 गया 8, तो ये 4 आ गया 2 से डिवाइड करने पर, और जब हमने x की जगह 2 लिया तो 2 2 4, 10 में से 4 गया तो कितना रह गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेबल आ गई है। अब इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं, देखा सबसे पहले 5 और 5, तो ये तो आपको बता रखा है मेथड 0 5 और 5 0, तो ये आपका लाइन इस तरीके से इसकी बन गई है। अब दूसरा वाला क्या है, 1 पर 4, यानी कि x तो 1 है और y कितना है 4, ये हो गया, और 2 पर 3, तो 2 ये रहा और आपका y कितना है 3 है। तो इस तरीके से ये हमारे चारों पॉइंट आपने देखा एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, many solution है, infinitely many solution। तो स्टूडेंट इससे क्या मतलब समझे आप, इन्होंने तो कहा consistent है तो इसका solution बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, कि अगर आप किसी भी एक में जो भी value निकाल सकते हो, जितने इसके solution निकाल सकते हो वो इसके solution भी होंगे। तो इस line का मतलब ये होता है कि आप इसके जितने भी x y की वैल्यू निकालेंगे वो इसके अपने आप सॉल्यूशन हो जाएंगे, अगर इसके निकालोगे तो वो अपने आप, यानी कि इसमें एक लाइन से जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो दोनों लाइनों के लिए मैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स फिर देखते हैं इसमें कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो कास्ट कंसिस्टेंट निकले ना निकले देखते हैं। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन में 3, एंड b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में -3, एंड c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 16, दैट इज 1/2, देन 1/3 और 1/3 एंड नॉट इक्वल टू 1/2। तो हमारे दो कंडीशंस इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हमें आगे सम नहीं करना है, क्योंकि कंसिस्टेंट के केस में ही हम आंसर निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लीजिए थर्ड पार्ट, बेटा इसमें भी पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता लगाना होगा। a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 1 अपॉन में -2, और c1 अपॉन c2 क्या होगा, -6 और -4। अब हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा तो 3/2 आ गया, ये ऐसे ही रहेगा -1/2 और ये 1/2, तो आप देखेंगे इसमें तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होता तो कंसिस्टेंट होता है। तो अब हम इसका जो है क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 0 6 एंड 3 0,
तो इसमें क्या है, आप जीरो पुट करेंगे पहले एक्स की जगह, यहां पर जीरो पुट करते हैं तो आपके पास ये जीरो हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, सिक्स आ गया। और अगर आप क्या करते हो, वाई की बजाय जीरो पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, थ्री आ जाती है। तो इस तरीके से आपने ये निकाल लिया, और ये भी आपका एक्स की जगह जीरो पुट करने पर वाई की वैल्यू -2 आ गया, और एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जीरो पुट करने पर एक्स का वैल्यू 1 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें इजी होता है कि ये 6 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया, इसलिए हम जीरो वाली कंडीशन स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं। ये बेटा हमारे पास एक लाइन बन गई है। सेकेंड क्या है, वाई की वैल्यू है -2 एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको इस तरीके से हम यहां से भेज देंगे, तो सेकेंड इक्वेशन लाइन आपकी ये है। अब हमें सॉल्यूशन देखना है, तो यहां पर भी आपका 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है। इस तरीके से एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको शक हो इसमें पुट करके देख सकते हो, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो इसमें भी यही देखना पड़ेगा, ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू एंड सी वन अपॉन में सी टू। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमें देखना पड़ेगा 2/4 और फिर -2/ में -4 एंड -2/ में -5, -2/ में -5। तो इस तरीके से आपके ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, और यहां पर भी क्या आ गया, 1/2 हो गया। तो आपका फर्स्ट टू तो 1/2, 1/2 और 2/5, ये इक्वल है। देखिए कितनी ग्रेट आयरनी है, सॉल्व करने में भी इजी होगा। फर्स्ट टू जब इक्वल्स नहीं है तो सॉल्यूशन, यानी कि ये तो कह रहा है भाई हम इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इसलिए हम इसको आगे नहीं करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टूडेंट्स, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है 2l+b, लेंथ और विड्थ को l और b मानते हैं, लेकिन हमने इसमें क्या मान रखा है, x और y, तो x प्लस वाई आ गया, इसका हाफ करेंगे 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये x प्लस वाई यानी कि हाफ द पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 36। और जो आपका ये कह रहे हैं लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, तो आपका लेंथ में से विड्थ को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसकी टेबल बनाने का वही रूल, एक बार एक्स के बदले पुट कर दीजिए, अगर एक्स के बदले पुट करते हैं 0 तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। अगर वाई की जगह क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो इस तरीके से एक्स इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें भी एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, वाई कितना आ जाता है, 36। और वाई की अगर इसमें जो है आपका वाई की जगह जीरो पुट करते हैं तो एक्स कितना आ जाता है, 36। तो इस तरीके से दो टेबल बनती है, फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक्स में क्या है, हाइएस्ट 36 तक है, आपको बता रखा है मेथड कि इसमें कैसे देखा जाता है। तो एक्स में 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, इस तरीके से हमने ये शो कर दिया। और वाई का वैल्यू भी 36 हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेकिन 0 टू 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36 एंड नेगेटिव में क्या है, -4, तो -4 एक ही इंटरवल आएगा इसमें। तो अब हम इसको क्या ग्राफिकल शो करते हैं, इसमें बेटा 0 0 वाले में सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि बस 4 और -4 आपको देखना है कहां पर है। -4 किसका है, आपका वाई का है, और ये किसका है, आपका एक्स का है। तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं 36 को 36 से ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास पॉइंट क्या आया, ये
यहां से पॉइंट देखने पर जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 20, सबसे पहले x का लिखते हैं और दूसरा 16, तो 20 और 16 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया, यानी कि x जिसे हम लेंथ भी कहते हैं, तो आपकी x या लेंथ कितना आ गया स्टूडेंट्स 20, एंड y जो आपकी क्या है विड्थ है उस वो कितनी आ गई आपकी 16। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं मीटर में, क्योंकि मीटर इसमें क्या है यूनिट है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक्सरसाइज का। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्मड इज। तो पहला पार्ट क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका एग्जांपल देना है। तो इंटरसेक्टिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है कटिंग फिटिंग ज्यादा है, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट, नाम से शो हो रहा है इंटरसेक्टिंग कट फिट ज्यादा है, इसलिए हमें ये याद रखने के लिए बता रहे बेटा। वैसे तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं, तो यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है 2x और प्लस में 3 की जगह हम क्या लिख देते हैं यहां पर 5y, और पीछे आप इसको 8, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, आप देखोगे 2 अपॉन 2 कितना होता है 1 और 5 अपॉन 3 कितना होता है, उसको नहीं कट कर सकते तो ये इक्वल नहीं है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो आप। सेकंड पार्ट में क्या है आपका पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, आपका ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2, इसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है आपकी c1 अपॉन c2 की, तो हमारे फर्स्ट क्या होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, तो दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो सेम डिजिट लिख लीजिए 2x प्लस में 3y माइनस में क्या है थर्ड नहीं इक्वल होना चाहिए, तो आप 9, 6, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड आपका क्या है कॉन्सिडेंट लाइंस, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कंडीशन सारे के सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो इसमें कॉइंसिडेंट लाइंस इसका एग्जांपल क्या हो सारे इक्वल होना चाहिए रेशो में। तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर वाले डिजिट को 2 से 3 से 4 से जो आपको अच्छा लगता है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जा 4 और 2 3 6 एंड 2 8 16 इक्वल टू 0। तो बेटा जब आप इसमें ऐसे निकालोगे तो ये हो जाएगा, आप इसको अब नोट डाउन कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो आप इतना बना बना के जो है सीख चुके हो कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये सेकंड ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहां तक तो हमें आता है, टेबल भी बना लेंगे और ग्राफ भी बना देंगे। अब डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दो लाइनों से जो हमारे पास क्या बनेगा ग्राफ बनेगा जैसा कि यहां पर ये बना हुआ है। और जो है सेकंड क्या है आपका, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, हमें शेड भी क्या करना है वो जो ट्रायंगल बन रहा है दो लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पहले इसका ग्राफ देखें, टेबल देखें पहले टेबल, चलो आज टेबल और अच्छे तरीके से डिटेल में बता देते हैं। x के बदले क्या लिखा बेटा 0, तो यहां पर क्या हो गया इस तरीके से आपका माइनस y इक्वल टू कितना हो गया बॉर्डर क्रॉस करके उधर चला गया, तो y कितना आ गया आपका 1 आ गया। इस तरीके से हमने यहां पर ये लिख दिया। अब हम दोबारा क्या पुट करते हैं y के बदले 0 पुट करते हैं, इसमें इसमें ये 0 पुट किया प्लस 1 आ गया, तो x इक्वल टू इसने बॉर्डर क्रॉस किया कितना आ गया आपका माइनस 1। ठीक है,
तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस। अच्छा ये माइनस जीरो इसकी टेंशन नहीं लेनी है तो खत्म हो जाता है। तो एक्स कितना हो गया आपका माइनस वन, तो देखिए यहां पर दिख रहा है। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं, अब की बार एक्स के बदले जीरो पुट किया तो ये जीरो प्लस में टू वाई माइनस में ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया है। टू वाई इक्वल टू कितना है माइनस ट्वेल्व, उधर चला गया तो ट्वेल्व हो गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया सिक्स, देखिए आ गया। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट में क्या कर सकते हो, यहां पर जीरो पुट कर सकते हो y के बदले माइनस में 12 इक्वल टू जीरो, तो ये 3x, ये तो बेचारे जीरो हो गए, 20 नहीं होगा बेटा ये, ठीक है, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, तो ये इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये 4 आ गया। अब तो बस जीरो है, तो ग्राफ तो सीधा बना के हमने क्या दिखाना है, पहले हमने ग्राफ में देखना 1 माइनस 1, तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी है माइनस 1 ये रही, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 y की, तो हमने इसको सीधा दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ये मिल गया। अब क्या है 4 और 6, यानी कि हमें 4 और 6 देखना है, तो ये आपका हो गया 0.4 और ये क्या हो गया आपका y पर 6, इन दोनों को मिला दिया। सॉल्यूशन तो ढूंढना नहीं है इसमें, अब हमें ये दिख रहा है हमें क्या है 2 और 3, तो 2 3 तो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन हमसे कहा क्या है इन्होंने x एक्सिस के साथ कनेक्शन ढूंढना है, x एक्सिस कौन सी है ये रही, और ये दो लाइनें कौन सी हैं ये रही, तो ये कह रहे हैं कि इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है, तो बेटा ट्रायंगल तो दिख रहा है a b और c, आप इसमें कोई बढ़िया सा डिजाइन बना दीजिए, ठीक है, हम तो स्टूडेंट्स ऐसा ही बना सकते हैं, आप तो अच्छा बना सकते हो डिजाइन। तो इस तरीके से ये हमारा एरिया हो गया और हम इसमें शेड कर दिया ट्रायंगुलर रीजन में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज का वीडियो खत्म हो चुका है, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे इसी तरीके से हम पूरे साल आपका कोर्स जो है खत्म करा देंगे और आपके टेंथ में बोर्ड में अच्छा स्कोर आएगा अगर आप लगातार हमारे साथ कंटिन्यू रखेंगे और कॉपी पेन डेली हर एक क्लास से पहले लेके बैठे। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी होंगे बोर्ड के लिए बेटा, सब तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए इंफॉर्मेशन दी जाती रहेगी, आप हमसे कंटिन्यू रहिए। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स।